गाइस वेरी गुड आफ्टरनून। और अभी मैं मौजूद हूँ ह्यांगपू रिवर के किनारे के ऊपर शंघाई के अंदर, और ये खूबसूरत सा नज़ारा सिर्फ आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिव ऑल द वे फ्रॉम शंघाई पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और ये सामने आप लोग देख सकते हो शंघाई टावर, दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट बिल्डिंग, और वो सामने शंघाई का सिग्नेचर टावर पर्ल ओरिएंटल टीवी टावर। और अभी चलते हैं थोड़ा सा रिवर के किनारे पे और करते हैं कुछ मीठी मीठी बातें। आज मीठी मीठी बातें करेंगे, मज़े मज़े की बातें करेंगे, और साथ में आपको दिखाएंगे कुछ खूबसूरत सा नज़ारा शंघाई सिटी का। मैं बिल्कुल अभी सिटी सेंटर के बीच में, और ये जो ह्यांगपू रिवर है ना, ये बीच में से गुजरता है शंघाई के, और इसके जो एस्टुअरी है यानी कि इसके जो मज़ाफाती इलाके से गुजरता है यांगजे रिवर, जो कि आपको पता है। और वैसे आपको पता है कि शंघाई के जो मेजर रिवर्स हैं ना, वो दो हैं, एक यांगजे रिवर है और एक येलो रिवर है, ठीक है। और ये देखो कितना खूबसूरत है यार। ओह यार क्या बात है भाई साहब, शंघाई की क्या बात है, यकीन नहीं आ रहा ना आपको, यकीन नहीं आ रहा ना, मुझे भी नहीं आ रहा। ओह मैन, दिस इज एब्सोल्युटली क्रेजी एनवायरनमेंट हियर, इतना लग्जरी एनवायरनमेंट, इतना साफ सुथरा। और यहाँ जिस एरिया में मैं घूम रहा हूँ ना, कोई इसकी टिकट शिकट नहीं है, फ्री है भाई साहब, सब पब्लिक के लिए। दैट्स चाइना, ये पब्लिक का बहुत ख्याल रखते हैं यार। चेक करो, ये देखो लोग इंजॉय कर रहे हैं, साथ में कुछ रेस्टोरेंट्स भी बने हुए हैं। रेस्टोरेंट तो ज़ाहिर सी बात है भाई, फैंसी रेस्टोरेंट्स हैं तो महंगे ही होंगे। अब ऐसा नहीं है कि हर जगह पे जो टूरिस्ट प्लेस है उसकी टिकट नहीं है, अक्सर जगह की टिकट होती है और अच्छी खासी टिकट होती है, 100 RMB तक भी टिकट होती है, तो अच्छी 4,000-3,000 पाकिस्तानी रुपीज़ या शायद इससे भी ज़्यादा की भी टिकट होती है। तो कुछ कुछ जगह हैं ऐसी जिनकी टिकट नहीं होती, ठीक है ना, तो ये उनमें से एक जगह है। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हर जगह ही फ्री है, हर जगह फ्री नहीं है, अक्सर जगह की टिकट वगैरह होती है, ठीक है। जैसे म्यूज़ियम चले गए, किसी टेम्पल में चले गए आप लोग, ठीक है, डिज्नीलैंड चले गए, उन सब की टिकट्स हैं। तो ये साथ में जो रेस्टोरेंट्स बने होते हैं ना, अभी तो हैर ओपन नहीं हुए, इवनिंग में होंगे, तो ये थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, ज़ाहिर सी बात है शंघाई जो है ना वैसे भी एक्सपेंसिव सिटी है, ठीक है ना। ये चाइना की सबसे रिचेस्ट सिटी है, तो रिचेस्ट सिटी से मुराद फिर आप अंदाज़ा लगा लो, यहाँ पे जो लोग रहते होंगे वो भी काफ़ी अमीर रहते होंगे ना, तभी तो रिच है ये। तो इस तरह से फिर जो यहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स हैं, बिजनेसेस हैं, रेजिडेंस, रहाइश, लैंड वगैरह सब, वो बहुत महंगी है। ऑफकोर्स यार जिस तरह से दुनिया, बाकी दुनिया में होता है, जैसे जो जैसे न्यूयॉर्क सिटी है, जापान की टोक्यो सिटी है, इस तरह से लंदन है, तो वो मतलब फेमस सिटीज़ है ना, तो फेमस सिटी जो भी होगी वो ज़ाहिर सी बात है उसमें जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो हाई होगी डेफिनेटली। तो यहाँ चाइना के अंदर, शंघाई के अंदर अगर आप जो नॉर्मल रेस्टोरेंट्स होते हैं ना वहाँ पे खाते हो ना, तो पाकिस्तानी आपका 800 रुपया से लेके 1200 रुपये तक खर्चा आएगा एक टाइम का, इससे कम भी आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि आप लोग क्या खाते हो, ज़्यादातर यही आता है 700 से लेके 1200 तक, ठीक है, पाकिस्तानी रुपीज़ में। इंडियन रुपीज़ की अगर बात की जाए 200 से लेके तो 600 के बीच में आप अच्छा खाना खा सकते हो एक रेगुलर रेस्टोरेंट से, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या ऑर्डर करते हो। राइस वगैरह सस्ते हैं, बाकी नूडल्स वगैरह भी आप खाते हो तो वो भी आपको 20-25 RMB में मिल जाएंगी, तो वो यही बनते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में 800-900। और इंडियन रुपीज़ की बात करो तो 250-300 रुपये में आप लोग आराम से एक टाइम का खाना खा लोगे। इसी तरह से अगर आप मज़ीद चीज़ें ऐड करते हो, ड्रिंक्स वगैरह या इस तरह की कोई चीज़, तो ज़ाहिर सी बात है फिर उसी हिसाब से बिल ऐड हो जाएगा। तो अभी आप देखो ये बड़ा ज़बरदस्त है, मैंने सुना है यहाँ पे ना कोई बोट भी मिलती है जो आपको ये रिवर क्रॉस करवाती है उस साइड पे। अब मुझे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता कि वो कहाँ से मिलती है, अगर वो मिले तो यार वो लेके उस तरफ जाने का मज़ा आएगा। वैसे उस तरफ जो है ना ईस्ट नैनजिंग रोड है, तो उसका व्लॉग ऑलरेडी मेरे चैनल पे आ चुका है, ईस्ट नैनजिंग रोड
शंघाई की सबसे ज़्यादा फेमस पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट है। वहाँ पे दुनिया भर के फेमस ब्रांड्स हैं, वहाँ पे कल्चर है, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पे बहुत कुछ है। और जितने भी टूरिस्ट आपको मिलेंगे इवनिंग में, वो उसी ईस्ट नैनजिंग रोड के ऊपर मिलेंगे आपको। तो वो मैं उसका व्लॉग ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, अगर आप लोगों ने वो अभी तक नहीं देखा तो वो जाके ज़रूर देखना, बड़ा ही कमाल का व्लॉग है वो। और उसमें काफ़ी कुछ मैंने शेयर किया है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी शेयर किया है और काफ़ी कुछ मैंने शेयर किया, तो वो ज़रूर जाके देखना। अभी साथ में ये आप नज़ारे देखो, कोस्ट लाइन, ये कोस्ट लाइन है ना। अच्छा, एक और मैं आपको बात बताऊं कि जो शंघाई है ना, ये एक फ़िशिंग विलेज होता था 40 साल पहले, ठीक है। उसके बाद ये ट्रांसफॉर्म हुआ है 40 साल के अंदर अंदर, और चाइना की सबसे रिचेस्ट सिटी बन गया। इसके अलावा चाइना की जो पोर्ट है ना, जो शंघाई की पोर्ट है, वो दुनिया की कंटेनर पोर्ट्स में दुनिया की सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट पोर्ट मानी जाती है, कंटेनर जो हैंडल करती है कंटेनर पोर्ट्स। वैसे तो दुबई भी है और भी बहुत सारी हैं, लेकिन शंघाई की जो पोर्ट है वो भी बहुत ज़्यादा जो है ना, वो दुनिया में अपना नाम रखती है और वन ऑफ द बेस्ट पोर्ट है कंटेनर हैंडल करने के हवाले से, ठीक है। और जो शंघाई की कोस्ट लाइन है ना, वो तो जाहिर सी बात है समंदर के किनारे पे होगी ना। ये जो हुआंगपू रिवर है ना, ये तो बीचों बीच गुजर रहा है ना, तो ये उसकी कोस्ट लाइन नहीं है। जो कोस्ट लाइन है वो समंदर के किनारे पे होती है, और यही वजह है कि शंघाई इतना पॉपुलर है और उसकी जो कोस्ट लाइन है वो अपनी कोस्ट लाइन की वजह से ही मशहूर है। और जितने भी कोस्ट के ऊपर जो सिटीज़ होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा जल्दी ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ट्रेड बड़ी जल्दी हो सकती है। जैसे कि अभी पाकिस्तान में भी ग्वादर पोर्ट आई है ना, तो वो अगर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगी तो वो एरिया बड़ी जल्दी से ट्रांसफॉर्म हो सकता है। अगर वहाँ पे बिजनेस आएगा, पैसा आएगा, तो ज़ाहिर सी बात है जैसे दुबई ट्रांसफॉर्म हुआ है, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है, तो शंघाई भी इसी वजह से जल्दी ट्रांसफॉर्म हुआ है। पिछले 40 साल में शंघाई जो है ना, वो ये शंघाई बन गया, और ये एक फ़िशिंग विलेज था, वो फ़िशिंग विलेज चेंज हो गया इनटू वन ऑफ द रिचेस्ट सिटीज़ इन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा और एंटरटेनिंग भी लगा होगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो व्लॉग है वो इन्फॉर्मेटिव तो ज़रूर हो, ताकि आप लोग जो अगर टाइम स्पेंड कर रहे हो मेरी वीडियो देखने पे, तो आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिले। जगह तो आपको मैं दिखाता ही हूँ, जगह तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता ही हूँ, ये आपको फ्री में दिखाता हूँ जगह, ठीक है ना। लेकिन उसके साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी तो मिलनी चाहिए ना, तो वो भी मैं आपको दे रहा हूँ। तो इसलिए अगर आपको मेरा चैनल वैल्यू दे रहा है ना, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। और अगर आप लोग मुझे इंडिया से देख रहे हो, बांग्लादेश से देख रहे हो, पाकिस्तान से देख रहे हो, जहाँ जहाँ से भी देख रहे हो ना, कमेंट करके बताओ कि आप मुझे इस वक्त कहाँ से देख रहे हो, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी ऑडियंस मुझे कहाँ से देखती है ज़्यादा, ठीक है। अभी तक जो है ना, वो मेरी ऑडियंस इंडिया से मुझे बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं, तो मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जो बांग्लादेश से देख रहे हैं, पाकिस्तान से देख रहे हैं, और जौन से देश से भी देख रहे हैं, यूएई से देख रहे हैं, उनको भी मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप मेरा कंटेंट उसको पसंद कर रहे हो, उसको लाइक कर रहे हो। और मैं भी पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट लेके आऊँ, पॉजिटिव कॉन्टेंट लेके आऊँ, इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट लेके आऊँ, एंटरटेनिंग कॉन्टेंट लेके आऊँ, और आप लोगों को एंटरटेन करने के साथ साथ आपके नॉलेज में भी इजाफा करूं और आप लोगों को दुनिया भी साथ साथ में घुमाऊं। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन, इट्स जुबैर कैसर साइनिंग ऑफ। बाय बाय।